नेपाल का बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश, इसको चाउ चाउ बोला जाता है यहाँ पर। देखिए गाइस, तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग शाम के टाइम में जा रहे हैं चाय पीने एंड मेरे साथ कुछ दोस्त लोग हैं। अच्छा, किस चीज़ का पार्टी है? गाइस यहाँ पर देखो ठंडी में मस्त गर्मा गर्म पकौड़ियाँ वगैरह। यहाँ पर देखो इस बाल्टी के ऊपर क्या करूँगा, इस ट्राइपॉड को लगाऊंगा ऐसे करके। देखो भाई ये टूट गया है ना ट्राइपॉड, इसीलिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस फिलहाल अभी हो रहा है साढ़े आठ होने जा रहा है गाइस, 8:22 हो रहा है। अभी का कुछ ऐसा सीन है दोस्तों, अभी जस्ट फ्रेश होकर के आया हूँ एंड जा रहा हूँ फिलहाल दोस्तों नाश्ता करने। काफी ठंड का टाइम है दोस्तों, तो हाँ फटाफट से करते हैं एंड देखते क्या सीन रहता है। तो गाइस फिलहाल यहाँ पर देखो अभी का कुछ ऐसा सीन है, सुबह सुबह देखो यहाँ पे मम्मी का व्रत था ना गाइस, तो इसके लिए फटाफट से सुबह में ही खाना बन रहा है, उसके बाद हम सारे लोग खा लेंगे क्योंकि ठंड का टाइम है गाइस। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म चाय बन चुका है दोस्तों, हम लोग का चाय यहाँ पे ग्लास में रखा भी चुका है गाइस। तो हाँ चलो, तो फिलहाल गाइस अभी नाश्ता वास्ता हो चुका है एंड फिलहाल अभी मैं आया हूँ छत पे। हाँ देखो मम्मी क्या कर रही है छत पे। हेलो गाइस, देखिए गुड मॉर्निंग, देखिए मम्मी यहाँ पे देखो बनाएंगे कढ़ी। अच्छा चलिए, तो आज मस्त कढ़ी चावल बनेगा गाइस। जैसे कि आप देखें खाना नीचे बन रहा था, तो हाँ बहने वगैरह बना रही थी, यहाँ पे मम्मी अपना दाल वगैरह पीस रही है। वैसे मिक्सर में भी पीसा जाता है बट गांव में ऐसा सारा कुछ चलता है। तो चलो मम्मी को अपना काम करने देते हैं गाइस। देखो इस ठंड है ना, तो कपड़े नहीं सूख रहे, यहाँ से वहाँ तक सारे कपड़े 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 और यहाँ से देखो वहाँ तक सारे कपड़े, दोनों ही साइड में कपड़े कपड़े हैं गाइस। देखो भाई सुबह में कोहरा होता है ना तो कुछ नहीं दिखता, इसके वजह से बल्ब अभी तक जल रहा है सभी रोड का। यहाँ पर देखो यहाँ का भी वहाँ का भी, देख रहा रोड में कितना सन्नाटा हो रखा है। सुबह में ना ठंडी के टाइम में भी लोग नहीं ज़्यादा घूमते, देख रहे हो गाइस सारा सन्नाटा है। और ये स्कूल वगैरह भी सारा बंद है, देखो मार्केट का कुछ ऐसा व्यू है। यार गाइस अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं है आज सुबह में, तो देखो उतना कोहरा वगैरह नहीं, हाँ साफ साफ सब वेदर है पूरा, हल्की हल्की सी ठंड लग रही है फिलहाल। जल्दी दोस्तों नीचे मुझे अभी जाना है मार्केट में, जाता हूँ, थोड़ा बदाम रहता है क्या कर सकते हैं गाइस। तो हाँ देख लो कुछ ऐसा अभी का कुछ सीन। चलिए गाइस फिलहाल चलते हैं नीचे में एंड मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ पर देखो ठंडी में मस्त गर्मा गर्म पकौड़ियाँ वगैरह, प्याज की पकौड़ी, देखो दाल वाली पकौड़ी तो बन रही है यहाँ पर गाइस, और वहाँ पे दाल चावल बन रहा है फिलहाल। यहाँ पे पकौड़ियाँ वगैरह बन रहा है, तो आराम से मस्त चाय पकौड़ी वगैरह खाएंगे एंड खाना खाएंगे जब बन जाएगा गाइज। ठंडी का टाइम है गाइज, मस्त एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय मिल जाए तो यार मज़ा आ जाता है गजब का। चलो आप बताना कमेंट करके आप खाते हैं अपने, यार सारे खाते होंगे शायद से। यहाँ पर बाबू खेल रही है, जब ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये खेल के बोल रही है कुछ कुछ। गाइज अभी 12:30 हो रहा है तो चलो गाइज मस्त मैं पहले खाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। गाइज फिलहाल यहाँ पर देखो मस्त कढ़ी चावल हरी सब्जी निकल चुका है खाना गाइस, तो फिलहाल खाना मस्त खाते हैं गाइस। फिलहाल अभी का कुछ ऐसा सीन है, मैं खाना वाना खाकर सन वीडियो मुझे शूट करना है, एक साथ दो दो वीडियो शूट करना है फिलहाल, एक अभी करूंगा एक बाद में करूंगा, अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है गाइस एंड फिलहाल मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं एक दो वीडियो एकदम से शूट कर लेता हूं। तो हाँ ठंड का जैसा माहौल बना है पूरा, तो वैसे इनर वगैरह लगा करके अभी मैं शॉर्ट में ही हूँ एंड फिलहाल अभी मैं कर रहा था वीडियो का शूट। यहाँ पर देखो इस बाल्टी के ऊपर क्या करूँगा, इस ट्राइपॉड को लगाऊंगा ऐसे करके। देखो भाई ये टूट गया है ना ट्राइपॉड, इसीलिए इसके ऊपर लगा करके यहाँ पर अपना मतलब चेयर वगैरह है, ये वाला गियर्स वगैरह है, माइक वगैरह, ईयरफोन वगैरह, तो फिलहाल सेटअप करते हैं पहले दोस्तों, वीडियो को शूट करते हैं एंड मिलते हैं बस आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइज अपना वीडियो वगैरह शूट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो अपना गियर। तो एक वीडियो शूट करने के लिए इतना ताम झाम, अब देखो अब इसको लेकर के सारे को लेकर जाना पड़ेगा और इस बाल्टी को भी घर में रखना पड़ेगा गाइज, इतना सारा ताम झाम डेली का रूटीन है। तो हाँ चलो फटाफट से पहले इसको रखते हैं एंड आपसे मिलते हैं बस। ठंड इतना लग रहा था ना गाइज अभी छत पे, तो मैं बैठ के वीडियो शूट कर रहा था एंड बोलते बोलते पूरा गला सूख गया था ठंड के टाइम में भी, फिलहाल आकर पानी वगैरह पिया एंड ठंड के कारण से इतना अभी हालत ख़राब हो रहा था कि अभी जाके जैकेट लगाना पड़ा। हालांकि अभी धूप वगैरह भी नहीं निकला है तो फिलहाल थोड़ा बहुत काम है, तो आते फटाफट से मार्केट से एंड उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगा एंड इस मौसम में ना गर्मा गर्म चाय पीता हूँ। चलो पहले आते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी देखिए शाम होने जा रहा है एंड अभी गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर देखिए नेपाल का बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश, इसको चाउ चाउ बोला जाता है। यहाँ पर देखिए गाइस कितना सारा चाउ चाउ है और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बनने जा रहा है और यहाँ पर देखिए, और आज बना रहे हैं पापा, तो पापा के हाथ का बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप लोग देखिएगा
तो फिलहाल पापा बना रहे हैं चाव चाव, वो हल्का ग्रेवी वाला। तो देखिए यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं मस्त कलर है। इसमें सब्जी वगैरह डाल करके अपने अपने वैरायटी है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो फिलहाल पापा अपने हिसाब से बना रहे हैं, हाँ तो सोचा आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दूँ। तो देखिए पहले इसको वहाँ पे मसाला रख के उसको भूजा जाता है, उसके बाद इसमें पानी रख के फिर चाव चाव रख के फिर बनाया जाता है। देखिए वैसे मैंने आपको काफ़ी सारे ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाया है, तो इतना सारा बनेगा। लाल चाव चाव को बनने देते हैं, उसके बाद बनेगा तो हम लोग मस्त एकदम गर्मा गर्म नाश्ता वगैरह करेंगे। तो हाँ तो गाइज फाइनली चाव चाव बन के एकदम रेडी है। यहाँ पर देखिए देखिए गाइज मस्त एकदम कलर देख सकते हैं आप लोग, कितना मस्त देखने में लग रहा है। एंड देखने से ही पता चल रहा है कितना ज़्यादा टेस्टी है गाइज। और यहाँ पे अपना गर्मा गर्म चाय स्पेशल बन के तैयार है। हाँ चलो अब इसको कटोरी में रखते हैं फिर फटाफट से खाते। ठंडी के टाइम में ना ऐसा गर्मा गर्म चाय एंड ऐसा चाव चाव वगैरह खाने में ना मज़ा आ जाता है गाइज। तो फिलहाल हम सारे लोग जा रहे हैं मस्त गर्मा गर्म खाने चाव चाव चाय वगैरह पीने, नाश्ता वगैरह करते हैं गाइज। तो गाइज फिलहाल अभी हम लोग शाम के टाइम में जा रहे हैं चाय पीने एंड मेरे साथ कुछ दोस्त लोग हैं, वीरू को तो आप जानते होंगे, और ये रहा मेरा दोस्ती है। और यहाँ पर देखिए इसको भी आप लोगों ने देखा होगा एक ब्लॉग में, ये सबसे अच्छा बंदा यही है ग्रुप में अभी जो पार्टी देने वाला है। आज इसके ही तरफ से हम लोग को पार्टी होने वाला है। तो चलो तो चलो गाइज मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं चाय वाला कैफे है ना, इसको जाने के बाद आप लोग से मिलते हैं बस। अभी ठंड काफी है ना तो इसलिए टोपी वगैरह लगाया हूं। तो फिलहाल अभी भैया चाय बना रहा है वहाँ पर, देखो पीछे में वहाँ पे बनता है ठीक है। और यहाँ पे सारे बैठे तो हम लोग अभी चाय वगैरह पीते गाइज। अच्छा किस चीज का पार्टी है हमको मालूम है दे रहा है। तो यही थोड़ा बहुत हम लोग बातें वगैरह करेंगे, उसके बाद चाय बनने में भी अभी टाइम है तो फिलहाल बनता है, उसके बाद पीते निकलते हैं। तो गाइस फिलहाल चाय आ चुका है चेस भाई, चलो देखो। तो चलो गाइस फटाफट चाय पीते हैं। फिलहाल अभी जस्ट मार्केट से आ रहा हूँ गाइस, आज बाजार भी था गाइस तो थोड़ा बहुत सामान लेकर के यहाँ पर देखो फिलहाल यहाँ पर सामान रख दिया हूँ। और यहाँ पर देखो आज यहाँ पे कितना ताजा गोभी मूली धनिया पत्ता वगैरह सारा कुछ है। एंड फिलहाल अभी का कुछ ऐसा सीन है, अभी बन रहा है गर्मा गर्म चाय पीते हैं गाइस। एंड फिलहाल वहाँ पर देखो कुछ स्पेशल बन रहा है, तो हाँ समझ गए होंगे वहाँ पर देखो प्याज वगैरह कट चुका है। तो फिलहाल वहाँ पर देखो फिलहाल बनने देते हैं गाइस, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दूंगा चाय वाय पीते हैं। एंड वीडियो अभी जस्ट मैं पब्लिक कर रहा हूँ तो आप देखना गाइस, फिलहाल वीडियो का एडिटिंग बचा है तो जो सीन होगा आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस वहाँ पर देख रहे हो लाल लाल मिर्च, यहाँ पर देखो कितना बड़ा बड़ा शिमला मिर्च वगैरह क्या है पता नहीं। मम्मी एक बहुत ही फेमस चीज़ बनाती है जो कि आप लोगों को बता देता हूँ, वो है गाइज अचार। तो देखिए अभी मम्मी अचार बनाने के लिए ये सारा मिर्च काटी है, और यहाँ पर तो हरा मटर है। तो फिलहाल मम्मी का हाथ का जो अचार है गाइज वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड सभी को पता है बहुत ज़्यादा फेमस मम्मी अचार बनाने में। फिलहाल देखो देख रहे हैं इसमें थोड़ा ही है, बाकी अभी अलग रखी है, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको साइड करके रखी है। तो फिलहाल गाइज चाय बन के रेडी है, तो फिलहाल वहाँ पे वो चाय वगैरह छान रही है यानी एक ग्लास पर रख रही है, तो उसके बाद पीते गाइस। गाइस ठंड में ना चाय पीने का एक अलग ही मजा है, क्या आप पीते हो नहीं पीते हो बताना कमेंट करके। तो पीते हैं चाय बिस्किट या फिर ब्रेड वगैरह जो होगा उससे खाएंगे। देखो गाइस ये खुद से ही मटर को छील करके उसमें रख रही है, देखो देख रहे हो वो निकाल के रख रही है। देखो सारा कुछ घर में देख देख के सीख जाती है, ये पता है कि उसको मतलब ऐसे छील कर रखना है। देखो एक एक निकाल के रखेगी, उस समय यहाँ इधर है इधर इधर है, देखो सारा वहाँ से निकाल करके एक एक बीच करके तब रखेगी उस कटोरी में, देख रहे हैं गाइस। तो चलो गाइस पीते हैं चाय एंड मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर देखो गर्मा गर्म चाय आ चुका है, तो बिस्किट लेके आते हैं उसके बाद चाय बिस्किट खाते हैं। ये देखो दोस्तों सूखा ब्रेड और चाय गर्मा गर्म आ चुका है, तो चलो मस्त पीते हैं। तो एक्चुअली गाइज अभी हो रहा है खाना पीना, तो मस्त पहले खाते हैं गाइज। सो फिलहाल गाइज ऑल डन, खाना पीना सारा कुछ हो चुका है एंड फिलहाल ब्लॉग को ज्यादा बढ़ाने नहीं करते। फिलहाल अभी का कुछ ऐसा सीन है, खाना पीना हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सोने गाइज। हाँ अभी बज रहे हैं रात के गाइज 12 बज रहा है, 12 समथिंग हो रहा है। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।